हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल, आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि जो अपनी शिक्षण अभिवृत्ति है उसके PYQs के बारे में बात करेंगे। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत आराम से रिलैक्स होके इन क्वेश्चंस के कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि सेम एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हो या ना हो, लेकिन जो कंसेप्ट्स है वो वही रहते हैं। तो बहुत आराम से चीजों को सुनना है, बहुत आराम से समझने की कोशिश करनी है, और वीडियो रोक के आप पहले आंसर करने की कोशिश करें कि मैं इसका क्या आंसर कर रहा हूं और राइट आंसर क्या है। तो ऐसे एकदम आंसर पहले एकदम से आंसर मत देखें, एकदम से सॉल्यूशन मत देखें, पहले अपने आप को देखें कि आप करेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। इससे पहले कि हम क्वेश्चंस के बारे में बात करें, मैं आपको बता देता हूं कि पेपर वन यहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन ओपन है, अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, यहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। और मोबाइल ऐप भी है SWMG, इसपे हम कंप्लीट पेपर वन पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, और पेपर टू इन्वायरमेंटल साइंस और पेपर टू एजुकेशन अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, और कॉम्बो पैकेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का और जो अपनी मोबाइल ऐप है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो, अब ये पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन। आपको यहाँ पे मैच करने का क्वेश्चन दिया है, टीचर सेंटर्ड यानी कि अध्यापक केंद्रित, लर्नर सेंटर्ड यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित, और लर्निंग सेंटर्ड यानी कि अधिगम केंद्रित। आपको इसके साथ मैच करना है, ठीक है। और आप एक बार मैच करिए, मैं अभी सॉल्व करूंगा, वीडियो यहाँ पॉज करके मैच कर लीजिए, ठीक है। चलो मैं सॉल्व करता हूं। यहाँ पे जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला जो स्टेटमेंट जो मुझे लग रहा है और जहां से क्वेश्चन गलत होने की संभावना है, जो लर्नर सेंटर्ड और लर्निंग सेंटर्ड है, यहाँ पे आप क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे टीचर सेंटर्ड अप्रोच जहां होगी यानी कि अध्यापक केंद्रित अप्रोच जहां होगी वहां तो इम्पोज शब्द आ जाएगा आरोपित, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे लर्नर है वो पैसिव लर्नर हो सकता है और टीचर का यहाँ अहम रोल है यानी कि जो अध्यापक है उसका अहम रोल है तो वो सेंटर में है, तो यहाँ आपको ये लगेगा कि कोई चीज मुझ पे इम्पोज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन नहीं है, आपको सिर्फ इम्पोज किया जा रहा है कि आप ये चीज सीखिए, ठीक है ना। तो वो टीचर सेंटर्ड हो गया यानी कि अध्यापक एक केंद्र बिंदु में है। ए का दो आ गया, तो ए का दो आएगा तो फर्स्ट ऑप्शन भी कट जाएगा और सेकंड ऑप्शन भी कट जाएगा, या तो ऑप्शन सी आएगा या डी आएगा। तो यहां पे मैं जो बता रहा था आपको कंफ्यूजन आएगा, लर्नर सेंटर्ड क्या होता है, शिक्षार्थी केंद्रित क्या होता है। अब यहाँ पे शिक्षार्थी यानी कि जो लर्नर है उसको भी ध्यान में रखा गया है यानी कि उसकी भी भागीदारी सुनिश्चित की गई है, उसको एकदम पार्टिसिपेशन में लिया गया है, उसके साथ चीजों को शेयर किया जा रहा है, तो इसका बी का आ जाएगा वन, ठीक है। अब यहां पे जो लर्निंग सेंटर्ड है ना, अधिगम केंद्रित, लर्निंग सेंटर्ड का मतलब है कि उसका पूरा लर्निंग पे सेंटर्ड है, फोकस्ड है यानी कि सेल्फ कंट्रोल्ड है, तो सी का आ जाएगा वन। तो ये चीज थी जो सी का क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। तो ये चीज थी जो कंफ्यूज करने वाली थी, तो ए का दो, बी का वन और सी का थ्री, तो राइट आंसर कौन सा आ गया, राइट आंसर आ गया थर्ड यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आपको मैं आपको बता दूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड के हर आप क्वेश्चन में देखोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन आपके पूरे पेपर में एक से दो क्वेश्चन, पांच छह क्वेश्चंस में से मिल जाएगा जो टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर या लर्निंग सेंटर की बात कर रहा होगा। तो इस कंसेप्ट को आपको अच्छे से समझना है। टीचर सेंटर का मतलब जहां पे एकदम अहम रोल टीचर का हो, लर्नर सेंटर का मतलब जहां पे लर्नर को भी यानी कि टीचर वहां पे फैसिलिटेटर हो जाता है लर्नर सेंटर में, और पार्टिसिपेशन किया जाता है यानी कि लर्नर की भागीदारी होती है, शेयरिंग होती है, ठीक है। और लर्निंग में क्या होता है, वो सेल्फ कंट्रोल की बात होती है, वो केंद्र बिंदु या फिर उसका जो केंद्रित है वो सेंटर है वो कहां पे, लर्निंग पे है, तो वो सेल्फ कंट्रोल हो गया। तो ये इसका राइट आंसर है, तो ये ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से करना है, अच्छे से शांति से ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हाँ, एक बात बोल देता हूं फ्रेंड्स कि आप लोग जैसे अगर आपको ये ठीक लग रही है चीजें ना, तो पहले मैं बोलता नहीं था, मैं बोल रहा हूँ कि जो चीजें हैं अच्छे से सबके साथ शेयर हो जाए, चीजें जो बेनिफिट उठा सकते हैं उठाना चाहिए। इसको आप अगर विलिंग है तो इसको सब्सक्राइब करके आप नोटिफाई कर सकते हैं जिससे आपको ये चीजें मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग।
अब देखिए ये क्वेश्चन है ना, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधि की विशेषताएं नहीं है? अब बहुत सारे स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो नोट शब्द को पढ़ना भूल जाते हैं, ठीक है ना। नोट शब्द है यहाँ पे, नहीं है। वो जल्दबाजी में क्या करते हैं, टीचर सेंटर्ड वाले गुण लिखाएंगे। जो भी टीचर सेंटर्ड वाली बात होगी वो इस ऑप्शन में चूज कराएंगे, और आप देखोगे तो वो ऑप्शन भी मिल जाता है। वो ये कह रहा है जो टीचर सेंटर्ड नहीं है, नॉट द कैरेक्टरिस्टिक। अब टीचर सेंटर्ड वाली बात नहीं है तो वो कह रहा है एक तरह से वो लर्निंग सेंटरिंग की बात पूछ रहा है आपसे। वो ये कह रहा है कि नीचे कुछ विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी गई है, तो आपको ये बताना है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो टीचर सेंटर्ड नहीं है, है ना। यानी कि एक तरह से लर्निंग सेंट्रिक है, टीचर सेंटर्ड नहीं है। तो देखिए पहला कह रहा है स्टूडेंट आर पैसिव लर्नर, शिक्षार्थी या विद्यार्थी है वो निष्क्रिय अधिगम करता होते हैं। अब शिक्षार्थी या जो विद्यार्थी होते हैं उसमें पैसिव लर्नर किस में होते हैं, पैसिव लर्नर होंगे टीचर सेंट्रिक में, क्योंकि टीचर बोलेगा और हो सकता है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो वो पैसिव लर्नर हो सकता है। तो ये जो विशेषता है जो ए ऑप्शन वाली, वो विशेषता टीचर सेंटर्ड की है, जबकि आपसे ये पूछे नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर सेंटर्ड नहीं वाली पूछी है, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तो नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। बी देखिए, टीचर एक्ट एज ए फैसिलिटेटर फॉर लर्निंग, यानी कि जो अध्यापक है वो अधिगम हेतु सुसाध्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। अगर ये बात देखें, टीचर एक्ट एज ए फैसिलिटेटर, टीचर एज ए फैसिलिटेटर किस में काम करता है, वो लर्निंग सेंट्रिक में करता है। तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स है जो बी ऑप्शन वाली, वो हमें पक्का पता लग गया ये टीचर सेंटर्ड की तो अप्रोच नहीं है, और यही आपसे पूछा है का कौन सा ऑप्शन टीचर सेंटर्ड का नहीं है, तो एक तो ये नहीं है, ये लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच का है, तो एक तो बी आ गया। थर्ड ऑप्शन, टीचर डायरेक्ट लर्निंग एक्टिविटीज, अध्यापक अधिगम गतिविधियों को निर्देशित करता है। अगर यहाँ पे टीचर डायरेक्ट करेगा यानी कि वो तो टीचर सेंट्रिक की बात होगी, और टीचर सेंट्रिक तो आपने पूछा ही नहीं है, इसमें पूछा है नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर सेंट्रिक, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वहां टीचर सेंट्रिक में डायरेक्ट करता है वो। डी ऑप्शन, लर्निंग इज बेस्ड ऑन कोलैबोरेटिव बिटवीन स्टूडेंट्स, अधिगम विद्यार्थियों के बीच सहयोगात्मक आधारित प्रक्रिया है, बिल्कुल ये बात लर्निंग सेंट्रिक की है कि लर्निंग है वो बेस्ड ऑन कोलैबोरेशन, यानी कि वहां पे विद्यार्थियों को भी एक बीच में सहयोग किया जाता है, तो ये टीचर सेंट्रिक अप्रोच तो है नहीं, ये लर्निंग सेंट्रिक है, तो यही पूछा है नॉट द टीचर सेंट्रिक, तो ये लर्निंग, एक ये ऑप्शन आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और थर्ड ऑप्शन, लर्निंग इज बेस्ड ऑन स्टूडेंट इंटरेस्ट, तो लर्निंग है वो कह रहा है विद्यार्थी की अभिरुचि आधारित होता है, तो ये लर्निंग सेंट्रिक हो गया अप्रोच, तो ये है नॉट द टीचर सेंट्रिक, यानी कि ये टीचर सेंट्रिक की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो ये एक ऑप्शन ये आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन है ना, बी डी और ई इज द राइट आंसर। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन करने हैं फ्रेंड्स, अगर इस तरह से क्वेश्चन हम करेंगे सोच समझ के, तो आपको जो कंसेप्ट है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। हम बेसिकली क्या करते हैं, हम करते हैं कि मुझे, मैंने 2000 क्वेश्चन कर लिए, मैंने 5000 क्वेश्चन कर लिए, मैंने सारे PYQs कर लिए, लेकिन उसको मुझे लगता है कि वो उसको ऑप्शन याद होते हैं, शायद ऑप्शन पढ़ लेता है वो, उसको क्वेश्चंस का कंसेप्ट नहीं पता होता, क्योंकि अगर कंसेप्ट पता होगा तो सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं, सिलेक्शन का मेन जरिया यही है। तो चीजों को हमें अच्छे से समझना चाहिए, ना कि रटना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, निम्नलिखित में से कौन समावेशी अधिगम वातावरण का एक उदाहरण है, है ना, यानी कि जो लर्निंग इन्वायरमेंट है वो कैसा इंक्लूसिव है, समावेशी है। आपको पता होगा इंक्लूसिव शब्द है, इंक्लूसिव एजुकेशन की भी बात करते हैं हम, समावेशी शिक्षा की। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि हर एक को जो भी है क्लास में, है ना, सबको बराबर का चांस मिले, यानी कि एजुकेशन में किसी भी तरह का पार्शियलिटी नहीं करनी है, किसी की तरह का बायसनेस या पक्षपात नहीं होना चाहिए, सबको साथ लेके चलने वाली बात होनी चाहिए। तो इस तरह का ऑप्शन आप देखो, एक राइट आंसर इसका पढ़ के देखो, आप डी ऑप्शन पढ़ के देखो क्या कह रहा है, ए क्लासरूम वेयर ऑल द स्टूडेंट्स आर encouraged to share their unique experience and perspectives, यानी कि एक कक्षा जहां पे सभी विद्यार्थियों को अपने विशिष्ट अनुभवों और दृष्टिकोणों को साझा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, यानी कि वहां पे किसी भी तरह का पार्टी जो पार्शियलिटी है वो नहीं किया जाता है, सारे के सारे स्टूडेंट्स को सेम एक तरह का अवसर दिया जाता है, उनको एक तरह की चीजें, एक तरह की अपॉर्चुनिटीज है, है ना, तो यूनिक एक्सपीरियंस वो फील करते हैं, तो ये है इंक्लूसिव, जहां पे
कोई भी किसी भी कोई मान लो कोई पर्सन कोई स्टूडेंट है ना, वो डिसेबल है, तो ऐसे नहीं कि उसके साथ पार्शियलिटी की जाएगी, तो इंक्लूसिव क्लास इन्वायरमेंट होगा उसके लिए, तो ये होगा, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये ऑप्शन आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है, समझ में आ रही है बात, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व द हाइएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ये कह रहा है कि शिक्षण के निम्नलिखित स्तरों में से किस में उच्चतम चिंतन कौशल क्रम समाविष्ट है, उच्चतम चिंतन कौशल। तो आपको पता है हम लेवल की बात करते हैं टीचिंग के, तो यहाँ पे सबसे बेसिक हम मेमोरी लेवल करते हैं, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल करते हैं, और फिर रिफ्लेक्टिव लेवल करते हैं, यही करते हैं। मेमोरी लेवल में तो चीजें आपको पता है रटने की बात होती है, अंडरस्टैंडिंग के में होता है जो फैक्ट्स होता है उसके बीच रिलेशन बनाने की बात है, समझने की बात है, और जो रिफ्लेक्टिव लेवल है जो मोस्ट एडवांस हम कह सकते हैं, और इसके अंदर हमारा जो क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है ना, यानी कि ये एक तरह से चिंतनशील स्तर है, जब हम चिंतनशील अवस्था में आ जाते हैं, बिल्कुल क्रिटिकली थिंकिंग करते हैं चीजों को, तो रिफ्लेक्टिव लेवल होगा। तो ये क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व द हाइएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो हाइएस्ट ऑर्डर किस में है, रिफ्लेक्टिव लेवल में है, यानी कि प्रतिवर्त स्तर के अंदर है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी हो गया, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे ये पूछा गया कि स्टेटमेंट कौन कौन से ठीक है, तो आप वो देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसी तरह का क्वेश्चन है, देखो अभी जो हमने किया है जो लेवल का, मेमोरी अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। पहला कह रहा है टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इन्वॉल्व इंकरेजिंग स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकली एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग एक्सपीरियंस। कह रहा है कि बौद्ध गम्य स्तर पर शिक्षण में विद्यार्थियों को समीक्षात्मक रूप से चिंतन और उसके अधिगम अनुभवों के अनुचिंतन को प्रोत्साहित करना समाविष्ट होता है। तो मुझे एक बात बताइए, ये बात जो लिखी हुई है लाइन, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए है या रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए, ये जो बात लिखी हुई है जहां पे क्रिटिकली थिंकिंग करना और रिफ्लेक्ट करना, ये जो बात करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल यानी कि जो चिंतनशील स्तर है उसके बारे में बात करते हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग की तो बात है ही नहीं, जब अंडरस्टैंडिंग की नहीं है तो ये गलत हो गया, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है टीचर एट द मेमोरी लेवल इन्वॉल्व रोट मेमोराइजेशन एंड डजंट इंक्रीज क्रिटिकल थिंकिंग। स्मरण स्तर पर शिक्षण में रटन स्मरण समाविष्ट होता है और आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। तो हमें पता है जहां पे मेमोरी लेवल की टीचिंग होती है वहां पे चीजों को रटवाया ही जाता है, बिल्कुल रोट लर्निंग होती है, तो ये राइट हो गया। तो पहला हो गया वो गलत हो गया और सेकेंड हो गया वो ट्री हो गया, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, हर कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स, अब इस शब्द को पढ़ना कि विच आर द बेनिफिट्स ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। निम्नलिखित में कौन कौन सहयोगात्मक अधिगम वातावरण के लाभ हैं, बेनिफिट पूछे हैं कि हम कोलैबोरेटिव लर्निंग करते हैं यानी कि सहयोगात्मक अधिगम करते हैं तो हमारे को क्या क्या लाभ है। तो पहला कह रहा है कि इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण कौशलों में सुधार। सही बात है, अगर हम कोलैबोरेट करके सहयोगात्मक रूप से अगर हम लर्निंग करेंगे तो हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इंप्रूव होगा, इसमें कोई दोराई की बात नहीं है, तो राइट ऑप्शन ए तो पक्का है। आगे कई सारे होंगे क्योंकि ऑप्शन देखिए नीचे आगे, फिर क्या है डिक्रीजिंग अंडरस्टैंड ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, भिन्न दृष्टिकोणों की समझ में कमी आती है। जब हम साथ मिलके कोलैबोरेट करके चीजों को करते हैं तो जो ये हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल है जो वो तो बढ़ता है ना, कमी कहाँ आएगी, तो ये तो एक नेगेटिव हो गया, तो बी तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं आएगा। तो बी नहीं आने से आपको पता है फर्स्ट ऑप्शन भी कट गया और लास्ट ऑप्शन भी कट गया। और देखते हैं, देखिए इंक्रीज मोटिवेशन, अगर हम साथ मिलके पढ़ेंगे तो हमारा जो अभिप्रेरणा है उसमें वृद्धि होगी, बिल्कुल, तो ए के बाद ए सी अगर हम देखें तो इस तरह से ए सी डी ई, ये थर्ड ऑप्शन आ गया, सी आ गया। डी क्या है, मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल फीडबैक, व्यक्तिगत प्रतिपुष्टि हेतु अधिक अवसर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, आप कॉन्फिडेंस फील करोगे, आप में कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी तो आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी फीडबैक के लिए। इनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, और वो बेसिकली कोलैबोरेटिव लर्निंग इसीलिए तो करवाई जाती है कि आपके अंदर जो समस्या समाधान है उसकी क्षमताओं में बहुत अच्छे सा इनहांस हो, वृद्धि हो, बिल्कुल बढ़िया बात है। तो ये क्योंकि एक पॉजिटिव शब्द है ना कोलैबोरेटिव लर्निंग, तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाली सारी बातें हमें चूज करनी है, पॉजिटिव क्वेश्चन तो पॉजिटिव ही आंसर, तो राइट आंसर ए सी डी एंड ई आ गया, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर एडवांटेज, एडवांटेज पूछ रहा है, मेजर एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग और ऑफलाइन लर्निंग। निम्नलिखित में ऑफलाइन अधिगम की तुलना में ऑनलाइन अधिगम का प्रमुख लाभ पूछा है, ऑनलाइन का प्रमुख लाभ क्या है। तो लिमिटेड एक्सेस तो कोई लाभ नहीं है, आपको सिर्फ एडवांटेज पूछा है कि जो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उसका लाभ क्या है ऑफलाइन की बजाय। तो लिमिटेड एक्सेस कोई लाभ नहीं है, ये तो नेगेटिव है। फ्लेक्सिबिलिटी, एक फ्लेक्सिबिलिटी इसको हम रोक के रखते हैं। हाई कॉस्ट कोई लाभ थोड़ी है कि उच्च लागत है। इंटरएक्टिविटी, पारस्परिक क्रियात्मकता, तो वो तो ऑफलाइन में ज्यादा होती है, वो लाभ नहीं। लाभ सबसे ज्यादा है फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि आप ऑनलाइन में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, लचीलापन काफी है। कहने का मतलब आप कैसे अपने टाइम के अकॉर्डिंग चीजें एडजस्ट कर सकते हो, कैसे ही पढ़ सकते हो, तो थोड़ा सा ऑनलाइन का वो है, आप स्पीड अप करके पढ़ सकते हो, आपको जब टाइम मिले तब पढ़ सकते हो। दूसरा, आपको कहीं जाके रहने की जरूरत नहीं है, अपने घर पे बैठ के पढ़ सकते हो, और एक्सेसिबिलिटी भी आप जो कॉस्ट इफेक्टिव तो बनी जाती है अगर आप अच्छे से चीजों को करना की कोशिश करते हो, क्योंकि ऑफलाइन में कहीं भी इंस्टीट्यूट में जाओगे वहां जाके रहना ये सब खर्चा होता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि इसमें एडवांटेज पूछा है तो आप कहीं और भी चले जा सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर The बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव टीचिंग। और मैं आपको बता दूं, इफेक्टिव टीचिंग से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपके पेपर में कम्युनिकेशन वाली भी यूनिट है और टीचिंग वाली, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव टीचिंग, क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो टीचिंग भी अच्छी होगी, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो इफेक्टिव टीचिंग, निम्नलिखित में कौन कौन प्रभावी शिक्षण की मूलभूत आवश्यकता है कि आपकी टीचिंग बहुत इफेक्टिव हो। पहला, टीचिंग ओनली व्हाट इज इंक्लूडेड इन द करिकुलम, केवल वही शिक्षण करना जो पाठ्यचर्या में शामिल है। आप मुझे एक बात बताओ, बिल्कुल टू द पॉइंट अगर करिकुलम की बात करें और कोई बात नहीं करे तो चीजें इंटरैक्टिव नहीं बनेगी, और इंटरैक्टिव नहीं बनेगी तो इफेक्टिव टीचिंग नहीं होगी। ऐसे रिजिड होके बस और कोई वो नहीं, क्यों, थोड़ा सा इंटरेक्शन होना, थोड़ी सी चीजों को मतलब कहते हैं ना कि हम एक टीचर की क्वालिटी की जॉयफुल भी होना चाहिए, इंटरेक्टिव भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि रिजिड होके सारी चीजें, तो ये तो नहीं हो सकता। तो ए ऑप्शन को तो हम काट देंगे, है ना, और बहुत ज्यादा भी नहीं भटकना, इसमें ओनली शब्द है ना इसलिए हम इसको गलत कर रहे हैं। टीचर ओनली व्हाट इज इंक्लूडेड इन द करिकुलम, वही पर फोकस्ड है, एकदम एकदम ओनली वाली बात होती है ना। हालांकि करिकुलम पे फोकस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा अलग जा रहा है, ओनली वहीं पे नहीं, थोड़ा सा इंटरेक्शन या इंटरेक्टिव बनाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये काट देंगे। सेकंड कह रहा है गुड कम्युनिकेशन स्किल, ये तो बहुत जरूरी है इफेक्टिव टीचिंग के लिए, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन कह रहा है यूजिंग ए रिजिड टीचिंग अप्रोच, दृढ़ शिक्षण उपागम का प्रयोग करना। आप अगर रिजिड तो हो ही नहीं सकते अगर आपको इफेक्टिव टीचिंग करवानी है, रिजिड नहीं हो सकते, इसको काट दीजिए। ठीक है, डी ऑप्शन एक्सीलेंट सब्जेक्ट नॉलेज, विषय का उत्कृष्ट ज्ञान होगा तभी तो बात होगी, बहुत बढ़िया। तो बी डी एबिलिटी टू कनेक्ट विद स्टूडेंट, विद्यार्थियों से जुड़ने की उसमें क्षमता हो, ऐसे नहीं कि विद्यार्थी उससे नफरत करे और वो विद्यार्थियों से नफरत करे, नफरत करोगे तो काम कैसे चलेगा। एक दूसरे से इंटरेक्शन करोगे, समझोगे, और एक टीचर की एक अच्छी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो विद्यार्थियों के साथ अच्छे से जुड़ जाए। तो राइट आंसर बी डी और ई हो गया, है ना, तो ये हो गया राइट आंसर। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द मोबाइल नंबर ऑफ योर फ्रेंड, वही वाली, If the mobile number of your friend changes and you often continue to dial his former या her former number, it is example of, यदि आपके मित्र का मोबाइल नंबर बदल जाता है और आप गम में, है ना, अक्सर उसके पुराने नंबर पर फोन करते हैं, यह किस चीज का उदाहरण है। सर यह आपको पता नहीं किस चीज का उदाहरण है, उसको उससे हो गया है, अरे बावड़ी बूझ, ये पढ़ाई वाली बात है। बेसिकली ये क्या है, दिस इज नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, क्योंकि आपका आपके पास पुरानी वाली लर्निंग है वो हावी है आप पे, नई लर्निंग आपको सीखने या नई चीज आप, यानी कि नया नंबर या नई चीजों में नहीं जा रहे, तो दिस इज नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये अधिगम का नकारात्मक अंतरण है, ध्यान रखना है, दिस इज नेगेटिव ट्रांसफर। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये नेगेटिव ट्रांसफर होता है लर्निंग का जब ओल्ड लर्निंग हावी रहती है, ठीक है, नई लर्निंग आ नहीं रही, है ना। चलो, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से चीजों को करने की कोशिश की है, ऐसे कंसेप्ट्स को समझा करो, नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस अच्छा है, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस और उसके कंसेप्ट को समझना, प्लीज ये ध्यान रखें आप, सिलेक्शन के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। और अब आपको मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं, अगर आप विलिंग है तो आप सुन सकते हैं,
हमारी वेबसाइट है जिसका नाम है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन है SWMG। इस पे हम कंप्लीट पेपर वन पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ते हैं। आपकी लाइव क्लासेस होती है डेली, वीडियो लेक्चर्स, प्लस आपको पीडीएफ फाइल्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम में जिसका आप प्रिंट निकलवा सकते हो। काफी इंटरेक्टिव सेशन होता है और इस वेबसाइट का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा, यहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पेपर टू भी अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस वेबसाइट पे और मोबाइल ऐप पे। तो पेपर टू इन्वायरमेंटल साइंस हम पढ़ाते हैं और पेपर टू एजुकेशन, ठीक है ना। और इसका कॉम्बो पैकेज है, इस पे ऑफर चलता है फ्रेंड्स 24% का, अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके सबके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि अपने चित्त को हमेशा शांत रखना है और आपको खुश रहना है, किसी भी तरह की टेंशन ना लो, चीजों को समझ के करने की कोशिश करो, भागा दौड़ मत करो, अभी समय है, चीजों को समझ समझ के करो। कि इस तरह से करो कि आपको बाद बाद में चीजें है ना, ये नहीं कि मैं भूल गया क्या पढ़ा था। एक तो रिवीजन पे फोकस रखो पूरा का पूरा, और एक कंसेप्ट को समझने पे रखो, तभी बेहतर होगी चीजें। और इसकी जो पीडीएफ फाइल है, जो इनक्विशन की पीडीएफ फाइल है, अगर आपको जरूरत है तो मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। अपना टेलीग्राम है SWMG UGC NET के नाम से, ठीक है। और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां पे भी मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।